नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी से जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं एसएससी जेई में, जो आपका एग्ज़ाम अभी होने वाला है। तो प्रीवियस ईयर में जितने भी इसे क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर, जो आपका जीके का पोर्शन है एसएससी जेई में जो पूछा जाएगा, तो उससे रिलेटेड वीडियो की डिमांड की थी। तो देखिए, पूरा लेक्चर्स कवर करना तो अभी उतना समय नहीं है, बट क्वेश्चंस के थ्रू आपका मैं थ्योरी भी रिवाइज इसे करा दूंगा। बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, तो वो मैं आपका करा दूंगा क्वेश्चंस के थ्रू। तो यदि आपका सहयोग रहा, यदि आप लोगों का ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगी, तो बाकी के जितने भी रिमेनिंग सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका ज्योग्राफी का हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया, या फिर जो और भी जो पोर्शंस पूछे जाते हैं जीके से, तो उसका भी मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपका कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोगों का रिस्पॉन्स जितना अच्छा रहेगा उतना ही मैं उसके लिए वीडियो आपको बना दूंगा। तो चलिए, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का क्वेश्चंस, जितने भी प्रीवियस ईयर में एसएससी जेई में जो आपके पूछे गए हुए हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, आप लोग भी देखते चलिए क्वेश्चंस को, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन यदि आपसे बन रहा है तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपका जो प्रिपरेशन है वो अच्छा है। तो क्वेश्चन देखिए है कि डैश आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो हमारे ब्लड होता है तो उसमें जितने भी सेल्स होते हैं, तो उसमें से सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन अबंडेंट में मतलब पाए जाते हैं, तो वो आपको बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखना होगा, जो सेल्स होते हैं हमारे ब्लड के, तो उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो हमारा ब्लड कॉर्पसल्स होता है तो उसके तीन टाइप होते हैं। पहला आपका होता है आरबीसी, जिसको हम लोग रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं इसको, और इसका दूसरा नाम होता है इरेथ्रोसाइट्स होता है। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि आपका कभी कभी आरबीसी ना देके आपको इरेथ्रोसाइट्स दे देगा। तो देखिए, जो आरबीसी है ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, लगभग आपका 5 से लेके 5.5 बिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, मतलब जो आपके रहते हैं ब्लड, जो उसके मतलब इतना प्रेजेंट रहते हैं। और वहीं आपका जैसे डब्ल्यूबीसी है, तो डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स हम लोग बोलते हैं इसको, और इसका दूसरा नाम होता है लिकोसाइट्स होता है। और तीसरा जो कंपोनेंट है, मतलब जो कॉर्पसल्स है, वो आपका है ब्लड प्लेटलेट्स है, और इसका नाम दूसरा है थ्रोम्बोसाइट्स है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, आपको नाम से दूसरा जो अदर नेम है इसका, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देते हैं एग्जाम में। तो इसमें यदि हम रेशियो की बात करें कि कौन कितना प्रेजेंट होता है, तो जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं तो वो आपका होगा आरबीसी, उसके बाद आपका होगा प्लेटलेट्स, और उसके बाद आपका होगा डब्ल्यूबीसी। तो यदि हम इनका रेशियो देखें, कितने रेशियो में कौन सा पाया जाता है, तो आपका जैसे आरबीसी है तो इसका 601:40, मतलब इस रेशियो में पाए जाते हैं। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि जो आरबीसी है इसकी जो मतलब क्वांटिटी है ये सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद प्लेटलेट्स होगा और फिर आपका डब्ल्यूबीसी होगा। अब यहाँ देखिए, इससे रिलेटेड और कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। तो देखिए, जो लाइफ स्पेन जो होता है डब्ल्यूबीसी का या आरबीसी के, हम सबसे पहले बात करते हैं, तो इसका 120 दिन का होता है, यानी कि 120 डेज में तक ये आपका रहता है। और वहीं डब्ल्यूबीसी की हम बात करें तो इसका लाइफ स्पेन 5 से लेके 7 डेज के बीच में होती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और इसके अलावा और थ्योरी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो आपका आरबीसी होता है इसका शेप बायो कनकेव शेप का होता है, और इसके अंदर में कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और उसके बाद देखिए, जो आपका डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी जो आपका है इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो ये चीज़ पॉइंट आप लोग को याद रखना है यहाँ पे। अब देखिए, जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखिए, क्वेश्चन आपका था कि आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल ब्लड सेल्स। तो जैसे कि आपने वहाँ पे देखा था, सबसे ज़्यादा आपका कौन सा पाया जाता है, वो आपका आरबीसी होगा। तो आरबीसी इसमें देखिए है नहीं, लेकिन इसमें आपका नाम दिया हुआ है, अदर नेम दिया हुआ है, तो आपका क्या होगा, एरिथ्रोसाइट्स होगा। तो इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा इसका। और देखिए, आरबीसी से रिलेटेड और मैं आपको चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे, कि जैसे जो आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो में होता है या स्प्लीन में होता है, और इसका जो मतलब कि बात करते हैं इसका जो मतलब कि ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड आपका कहाँ पे होता है इसका, वो लीवर में होता है। तो ये सारा पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और वही इन्फेंट की बात करें तो इन्फेंट में जो आरबीसी का जो मतलब फॉर्मेशन होता है तो वो लीवर में होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, जो आपका एक टर्म है न्यूट्रोफिल्स है, तो न्यूट्रोफिल्स ये क्या है, ये एक डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट्स होता है, जिसका फंक्शन होता है कि जैसे बैक्टीरिया या अदर एक्सटर्नल जो सब्सटेंस होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो ये सारा फैक्ट जितना भी मैंने आपको बताया, तो ये सारा पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है यहाँ पे।
अब देखिए यहाँ पे जो आपका जो आंसर था वो तो आपका एरिथ्रोसाइट्स हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग जो मैंने थ्योरी आपको बताया। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट होल ऑफ ए फ्लावर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो फ्लावर होती है उसके जो आउटर मोस्ट पार्ट कौन सा है वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे फ्लावर के जितने भी पार्ट्स होते हैं और उनके क्या मतलब फंक्शंस कैसे होते हैं, तो इसको सबसे पहले आपको समझना होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फ्लावर्स के जो इसके जितने भी पार्ट्स होते हैं वो हम लोग पहले देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका एक फ्लावर का डायग्राम आपको दिख रहा होगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपका होता है कि जैसे मेल प्रोड्यूसिंग, जैसे पोलन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें होते हैं। तो इसमें देखिए जो यदि हम पोलन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन की बात करें तो इसमें आपका होता है एंथर और दूसरा आपका होता है फिलामेंट होता है। तो यहाँ पे जैसे आपका एंथर है तो एंथर का काम होता है ये पोलन को प्रोड्यूस करना। तो ये क्या हो गया, एंथर आपका ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है जिसके अंदर में पोलन्स प्रेजेंट होते हैं। और बाकी जो आपका जैसे फिलामेंट है, फिलामेंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है, तो फिलामेंट क्या करता है एंथर को होल्ड करता है। तो यहाँ पे ये जो आपका एंथर हो गया और फिलामेंट हो गया इन दोनों को कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं स्टेमेन बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं हम लोग एंड्रोसियम बोलते हैं। तो एंड्रो का मतलब होता है मेल, तो आप लोग इसी से रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो स्टेमेन आपका क्या हो गया, ये कलेक्टिवली हो गया एंथर और फिलामेंट का, तो ये आपका हो गया स्टेमेन। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये क्या हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। तो स्टेमेन को बोलते हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसमें आपका क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से पूछे जा सकता है कि कौन सा इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो वो आपका ऑप्शन में स्टेमेन भी दे सकता है या तो फिर उसमें एंथर भी दे सकता है या फिलामेंट भी दे सकता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो इसके पार्ट होते हैं। तो इसमें देखिए तीन चीज़ होते हैं, एक आपका हो गया स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और तीसरा आपका ओवरी है। तो ये क्या है आपके, ये फीमेल पार्ट है मतलब फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये जो आपका स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी है इन तीनों का जो कम्बिनेशन है इसको बोलते हैं हम लोग कार्पेल बोलते हैं, या इसको जाइनोसियम भी बोलते हैं या पिस्टिल भी बोलते हैं। तो ये किसी भी टर्म से आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन में इस तरह से भी रहते हैं कि कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो उसमें से आपको कोई भी ऑप्शन दे सकता है। स्टिग्मा भी होगा, स्टाइल भी होगा, ओवरी भी होगा, और या तो आपको कार्पेल या पिस्टिल कुछ भी दे सकता है वहाँ पे। तो ये सारा पॉइंट याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए अब इनके बीच में किस तरीका से पॉलिनेशन होता है, यानी कि जो पोलन का जो ट्रांसफर होता है आपका यहाँ पे, यानी कि जो आपका एंथर से स्टिग्मा में जो आपका किस तरीका से होता है, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इससे भी आपका क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पोलन जो आपका रहता है तो वो पोलन के लिए सबसे पहले पोलिनेटिंग एजेंट होते हैं, तो वो क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे पोलन को, कहाँ पे करेंगे स्टिग्मा में करेंगे। तो स्टिग्मा में जब आपका यहाँ पे जब आ जाता है यानी कि जो पोलन्स आ जाते हैं तो स्टिग्मा पहले क्या करेगा, ये रिसीव करेगा मतलब फर्टिलाइजेशन के दौरान, फिर उसके बाद जो पोलन वो कहाँ आएगा स्टिग्मा में आएगा। तो स्टिग्मा देखिए ये क्या होता है, ये एक ट्यूब होता है जो ओवरी के टॉप में आपका रहता है। तो ओवरी देखिए ये वाला पोर्शन आपका हो गया, फिर उसके बाद जब पोलन जो है ओवरी में पहुंच जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा मतलब उसका फर्टिलाइजेशन होगा फर्दर आपका अथी। तो ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, और ये इनर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो आपका आउटर मोस्ट पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे इनर मोस्ट यदि क्वेश्चन आए तो वो आपका क्या होगा ओवरी होगा। अब देखिए जो आपका ओवरी है वो क्या होता है, उसके अंदर में ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो ओव्यूल्स क्या होता है, ये रिप्रोडक्टिव सेल होता है कि जो आपका यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपका सीड रहता है वो आपका क्या सीड बन जाएगा आगे चल के, और यही जो आपका सीड है फिर फर्दर वो फ्रूट्स भी डेवलप हो जाता है। तो ये सारा पॉइंट आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया फ्लावर के बारे में। अब यहाँ पे देखिए कुछ और चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। ये देखिए जो कोई एक मैच्योर फ्लावर है ये उसका और मतलब कि माइक्रोस्कोपिक व्यू है आपका। तो इसमें देखिए जो आपका ओवल्स है इसके अंदर जो आपका जैसे ओवरी के अंदर में ओवल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो कुछ और भी चीज़ें रहते हैं जैसे आपका सेपल हो गया और कैलिक्स हो गया। तो सेपल आपका यहाँ पे ये क्या होता है, जैसे सेपल आपका स्मॉल लीव्स होते हैं जो आपका ये दिख रहा होगा हरे रंग का, तो ये स्मॉल लीव्स होते हैं जो फ्लावर के अंडर में मतलब कि इसके नीचे प्रेजेंट रहते हैं। तो ये इनका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, जो बर्ड रहते हैं इसके अंदर में उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका यहाँ पे सेपल है, तो सेपल बहुत सारे होते हैं यानी कि जो आपका इसके पत्ते जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो इनके कलेक्शन को ही हम लोग कैलिक्स बोलते हैं, यानी कि कलेक्टिवली कलेक्टिवली ऑफ द सेपल्स इज कॉल्ड एज कैलिक्स, यानी कि बहुत सारे सेपल्स का कम्बिनेशन जो होगा उनको बोलते हैं हम लोग कैलिक्स बोलते हैं।
और यही जो कैलिक्स है ये क्या होता है, आउटर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का, जो कि आपका क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, कैलिक्स हो जाएगा। तो देखिए कैलिक्स जो आपका भले आंसर है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको फ्लावर के जितने भी पार्ट्स होते हैं या फिर जो किस तरीका से पॉलिनेशन होता है, तो वो आपको सारा का सारा फंक्शन समझना जरूरी था, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे सारा थ्योरी जो है वो डिस्कस किया, ताकि आपका यदि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आए तो आप लोग इजिली कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत सारे तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमने सेपल के बारे में देखा, तो वही हम यहाँ पे पेटल के बारे में भी देख लेते हैं, इससे भी आपका आ सकता है। तो जो देखिए पेटल है, ये क्या होता है, पेटल आपको फिगर पे ये वाला दिख रहा है जो पीला पार्ट है इसका, ये लीफ से ही मॉडिफाइड होते हैं। और ये क्या करते हैं कि ये कलर एजेंट होते हैं, यानी कि इनमें कलरिंग होती है, जो कि अट्रैक्ट करते हैं पोलिनेटर्स को। पोलिनेटर जैसे कि आपका इंसेक्ट हो गया, या फिर और भी जो बटरफ्लाई या और भी होते हैं, जो मतलब कि इन अट्रैक्ट होते हैं फूल की तरफ, और जो पोलन है मतलब कि जो एंथर्स में जो पोलन प्रेजेंट रहते हैं, वो फिर स्टिग्मा में वो पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये पेटल्स होते हैं। तो अब इनका जो कलेक्शन होगा, बहुत सारे पेटल का कलेक्शन को ही हम लोग कोरोला बोलते हैं। तो ये सारा पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन में, जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट होल ऑफ ए फ्लावर। तो आउटर मोस्ट होल फ्लावर का कौन सा होगा आपका, तो आप लोग ऑप्शन में देखिए आपका क्या होगा आंसर, कैलिक्स हो जाएगा। तो कैलिक्स किसको बोलते हैं हम लोग, कलेक्शन ऑफ सेपल्स को ही कैलिक्स बोलते हैं, यही आपका आउटर मोस्ट पार्ट होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर हो जाएगा। अब वहीं पे देखिए जो आपका कोरोला है, तो कोरोला क्या होता है, ये आपका कलेक्शन ऑफ पेटल्स का आपका होता है ये। और बाकी देखिए ये आपका जो यहाँ पे ये एंड्रोसियम है, तो एंड्रोसियम तो क्या हो गया, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं ये, और जाइनोसियम क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। तो आप लोग जब आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, तो बाकी सारा जो भी ऑप्शंस है उसको भी आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, और यदि क्वेश्चन कुछ भी आए तो वो भी आप लोग इसको इजिली कर लीजिएगा। तो आई होप कि जो चीज़ मैंने आपको बताया जो फ्लावर से रिलेटेड, तो आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि माइकोरहाइजा इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ डैश विथ अ रूट सिस्टम। तो यहाँ पे आपको माइकोरहाइजा का बताना है कि ये किसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है। तो देखिए इसका आपका आंसर होगा, जैसे यहाँ पे एक रूट सिस्टम है, तो इसके साथ किसका यहाँ पे होगा कम्बिनेशन, तो वो फंगस का होगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। तो जैसे आपका माइकोरहाइजा है, ये एक हायर प्लांट और फंगस के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, ये आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये आपका फंगस है और उसी के साथ में जो हायर प्लांट्स के साथ ये अटैच हो जाते हैं, तो ये बनता है आपका माइकोरहाइजा होता है। अब देखिए यहाँ से और भी जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब बनाते हैं एक दूसरे से, तो वो आपका जैसे पहला आपका है लाइकेन है, तो लाइकेन किसका होता है, तो ये एल्गी और फंगी का होता है। उसी तरीके से जो जो वायरस है, वायरस भी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक होता है। तो ये सारा पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। उसके अलावा देखिए एक आपका होता है युग्लेना होता है, तो ये होता है प्लांट और एनिमल के बीच में ये कनेक्टिंग लिंक होता है। तो ये सारा पॉइंट भी याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यदि इससे रिलेटेड आए तो आप लोग इससे कर लीजिएगा क्वेश्चंस को। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव एंजाइम। तो यहाँ पे आपको एक्टिव एंजाइम के बारे में बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल है इसमें। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एंजाइम के बारे में समझेंगे कि इसका क्या फंक्शन होता है। देखिए एंजाइम्स क्या होते हैं, ये एक प्रोटीन होते हैं कि जो क्या करते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं, यानी कि जैसे कोई भी चीज़ जो स्ट्रक्चर है तो उसका वो शेप चेंज कर सकते हैं उसका, और बाद में वो एक्टिव और इनएक्टिव दोनों हो सकते हैं, यानी कि जब उसका शेप चेंज कर लेगा एक बार, उसके बाद वो एक्टिव भी हो सकते हैं या फिर इनएक्टिव भी हो सकते हैं। तो मेन एंजाइम का आपका काम होता है इनका, कि जैसे उनको शेप को चेंज करना। तो यहाँ पे आपको उस एक्टिव एंजाइम का नाम बताना है, तो यहाँ पे देखिए आपको ये याद रखना होगा, ये ट्रिप्सिन होगा, यानी कि ट्रिप्सिन क्या है, ये एक एक्टिव एंजाइम का एग्जाम्पल है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आपका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पे देखिए रिलेटेड है आपका जो हमने कॉन्सेप्ट पहले अभी देखा था थोड़ा सा पहले। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि जो आपको ऑप्शन है कि रेड ब्लड सेल्स आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस एंड आर बायो कनकेव कन्वेक्स इन शेप। तो यहाँ पे देखिए जो आरबीसी है वो क्या बोला रहा है कि डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस इनके अंदर नहीं होती है, तो ये बात सही है आपका। लेकिन अगला स्टेटमेंट इसमें आपका क्या यहाँ पे है कि आर बायो कन्वेक्स इन शेप। तो देखिए ये बायो कन्वेक्स नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, बायो कनकेव इन शेप होते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर अगला देखिए
कि आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड, तो न्यूक्लिएटेड तो होते ही नहीं है, तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो गया। फिर अगला देखिए है कि रेड ब्लड सेल्स आर न्यूक्लिएटेड, तो ये भी नहीं होगा। फिर अगला देखिए कि रेड ब्लड सेल्स आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, तो इनमें न्यूक्लियस नहीं होती है, ये बात सही है। एंड आर बायो कनकेव इन शेप, तो बायो कनकेव शेप होते ही हैं, तो इसलिए आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात आती है कि यदि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होगा सब्जेक्ट का, तो बाकी का क्वेश्चन आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए आपका जरूरी है कि आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए। अभी देखिए थोड़ा टाइम की कमी है, इसलिए थोड़ा पूरा कवर करना मुश्किल है, बट क्वेश्चंस के थ्रू जितना भी हो सके हम थ्योरी आपका कवर करा रहे हैं। और बाकी का जो नेक्स्ट एग्जाम जो आपका एसएससी जेई का होगा, तो उस समय मैं आपको अच्छे से इसका डिटेल में करा दूंगा, तो आप लोग उसका वेट कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर ए प्लांट, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा एक माइक्रो न्यूट्रिएंट का एग्जाम्पल है प्लांट के लिए। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इससे रिलेटेड थ्योरी देख लेते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते क्या हैं और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। तो यहाँ पे देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट ये क्या होते हैं, ये जैसे कि असेंशियल पार्ट होते हैं प्लांट का ग्रोथ करने के लिए, और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पे देखिए यदि हम बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो वो कौन कौन से होते हैं, तो जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, और उसके बाद ये सॉरी आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तो यहाँ पे पोटासियम और हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ पे हम सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की बात करें, तो यहाँ पे जैसे आपका कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और सल्फर हो गया। और बाकी जो आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये आपको याद रखना होगा यहाँ पे आपका क्या क्या होते हैं, जैसे बोरोन हो गया, क्लोरीन हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, मोलिब्डेनम हो गया और जिंक हो गया। तो ये सारे क्या आपके हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी याद रखिएगा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन जो आपको मिलेगा आगे। तो इसमें आपको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और हाइड्रोजन, ये आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गया, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट आपके ये सारे हो गए। और माइक्रो न्यूट्रिएंट का काम क्या होता है कि ये प्लांट को ग्रो करने में मदद करते हैं, और यदि इनकी यदि कमी हो जाए माइक्रो न्यूट्रिएंट का, तो इससे जो क्या होगा, ग्रोथ उनका क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा, यानी कि जितना ग्रोथ करना चाहिए वो उतना उनका नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए जो आपसे पूछा गया था इसमें, कि कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है आपका यहाँ पे, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन थ्री हो जाएगा, यानी कि आयरन हो जाएगा। और बाकी का जैसे आपका हाइड्रोजन है, ये क्या है, ये तो आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट का एग्जाम्पल है। और बाकी जो आपको ऑप्शंस याद रखना होगा, यानी कि जो आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट है उसका आपको सारा का सारा याद रखना होगा, तभी आप ऑप्शन को आप इलिमिनेट कर सकते हैं बाकी सारे चीज़ों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द बाइल इज रिलीज्ड इनटू विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ पे आपको बताना है कि जो बाइल जो रिलीज्ड होता है वो एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में होता है, तो ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बाइल के बारे में समझेंगे कि ये क्या होता है और कहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है और ये फिर कहाँ पे जाके रिलीज होता है। तो देखिए बाइल क्या है, ये एक ग्रीनिश मतलब कि ये आपका डार्क ग्रीन टू येलोइश कलर नेचर का होता है। तो ये प्रोड्यूस कहाँ पे होगा, आपका लिवर में होता है, और इसका मेन काम होता है कि लिपिड्स को डाइजेशन करने में ये मदद करता है। और बेसिकली जो डाइजेशन आपका होता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आपका होता है, क्योंकि देखिए जो मैक्सिमम जो डाइजेशन होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वहाँ पर अब्जॉर्प्शन होता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए जब यहाँ पे डाइजेशन आपका होता है यहाँ पे, तो डाइजेशन मतलब कि जब आप जैसे ही आप ईटिंग करते हैं या खाते हैं, तो उसके बाद जो आपका बाइल जो रहेगा वो स्टोर्ड होके वो कहाँ पे ड्यूडेनम में जाके डिस्चार्ज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपका ड्यूडेनम है, या फिर जो आपका यानी कि जो इलियम है, या फिर जो जिजेनम है, तो ये तीन पार्ट होते हैं आपके, तो वो आपको याद रखिएगा इससे, मतलब कि जो डीजे है इससे आप लोग शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं, ये सब पार्ट होते हैं। तो ये आपको कहाँ पे डिस्चार्ज होगा, ड्यूडेनम में होगा, तो इसलिए आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन टू हो जाएगा। तो यानी कि जो आपका बाइल होगा वो रिलीज कहाँ पे होगा, किस एलिमेंट्री कैनाल में आपका होगा, तो ड्यूडेनम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। तो यहाँ पे आपसे देखिए हार्ट चैम्बर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है यहाँ पे, तो इसको करने से पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं इससे रिलेटेड, उसके बाद आप लोग इस क्वेश्चन को इजीली कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर्स है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कितने नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम ह्यूमन्स की बात करें, तो ह्यूमन्स में कितने नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर्स होते हैं, तो वो चार होते हैं। तो चार जैसे कि जैसे आपका एट्रियम और वेंट्रिकल्स होते हैं, तो वो मतलब कि दो एट्रियम और दो वेंट्रिकल्स होते हैं, जो टोटल मिला के आपका चार होते हैं। तो उसी तरीका से यहाँ पे जैसे देखिए फ्रॉग है आपका, तो फ्रॉग में कितना होता है, तीन होता है। उसके बाद यदि हम फिश की बात करें, मछली की, तो इसमें दो होता है। और बैट जो आपका है यानी कि जो चमगादड़ है, उसमें कितना होता है, चार होते हैं।
और स्नेक की बात करें तो इसमें तीन होता है, और कंगारू की बात करें तो इसमें चार होता है, और जो आपका चिड़िया है यानी कि जो बर्ड है उसमें चार होते हैं हर चैम्बर। और देखिए एक एलिगेटर है, एलिगेटर में तीन होता है, बाकी कॉकरोच है आपका तो इसमें 13 होते हैं, और शार्क है तो शार्क में दो होते हैं। तो ये सारा आप लोग याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए जो आपका क्वेश्चन था वो एम्फीबियन से रिलेटेड आपका था, और इसमें फिश दिया हुआ था, तो फिश में कितना होता है तो इसमें दो हार्ड चैम्बर्स होते हैं। लेकिन यदि हम एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस में जैसे आपका फ्रॉग आता है तो उसमें थ्री चैम्बर ऑफ हॉर्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका फ्रॉग है तो इसमें थ्री चैम्बर ऑफ हॉर्ट्स होते हैं, और उसके बाद जैसे कि वेंट्रिकल्स और उसके बाद एट्रियम्स होते हैं उसमें। तो यहाँ पे देखिए जो आपका एम्फीबियंस है उसमें थ्री चैम्बर ऑफ हॉर्ट्स होते ही हैं, लेकिन उसमें एक वेंट्रिकल होता है और दो एट्रिया होती है। तो इसी तरीके से अब बाकी क्वेश्चन जो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं जो आपका यहाँ पे है, तो क्वेश्चन में आपका यहाँ पे यही पूछा गया था कि जो क्वेश्चन आपका इसमें है कि एम्फीबियंस हैव थ्री चैम्बर हार्ट विथ टू एट्रिया एंड सिंगल वेंट्रिकल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी आप लोग और देखिए फिशेस हैव थ्री चैम्बर, तो फिश में तो दो होते हैं, फिर उसके बाद अगला देखिए कि एम्फीबियंस हैव थ्री चैम्बर हार्ट, तो ये तो सही है विथ सिंगल एट्रिया, लेकिन एट्रिया क्या होते हैं, दो होते हैं और वेंट्रिकल सिंगल होते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। फिर फिशेस हैव थ्री चैम्बर तो ये गलत है, तो यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आपको हार्ट चैम्बर्स किसके कितने होते हैं तो वो आपको याद रखना होगा, और नंबर ऑफ एट्रियम्स कितने होते हैं और वेंट्रिकल्स कितने होते हैं तो ये भी आपको याद रखना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रो न्यूट्रियट फॉर ए प्लांट। तो देखिए जैसा कि हमने पहले में देखा था जो क्वेश्चन आपका था उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट सबसे पूछा गया था, तो इसमें देखिए ऑप्शन देखिए इसमें आपका हाइड्रोजन मैग्नीज कॉपर और जिंक दिया हुआ है, तो इसमें आपका जो मैग्नीज कॉपर और जिंक है ये क्या है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट का एग्जाम्पल है, लेकिन जो आपका यहाँ पे हाइड्रोजन है ये क्या है, ये आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट होगा, तो इसलिए आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन वन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि आपको जो लिस्ट ऊपर दिया गया है तो यदि वो आपको याद होगा तो आप लोग क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, और ये देखिए क्वेश्चंस मतलब रिपीटेड हो रहे हैं, यानी कि जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन यदि माइक्रो न्यूट्रिएंट से पूछा गया तो अगली बार उसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट से पूछा गया है, तो ये लिस्ट आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि इससे क्वेश्चन आपका मे भी आ जाए इस बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। तो आपको विटामिन ए की डिफिशियंसी से कौन से डिजीज होते हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका विटामिन ए की कमी से जो डिजीज होती है वो आपका क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से रिलेटेड हम लोग और भी चीज़ जैसे कि यहाँ पे विटामिन से कौन कौन से होते हैं और उसका केमिकल नेम क्या होता है और डिजीज उससे क्या होते हैं और ये सोर्स किस में पाए जाते हैं, तो ये सारा चीज़ याद रखिएगा। जैसे विटामिन ए है इसका केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनॉल होता है, और इससे होने वाला जो डिजीज़ है वो क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस है या जेरोप्थेल्मिया है, और इसकी कमी किससे पूरी की जा सकती है, तो जैसे आपका मिल्क हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, तो ये सारा चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आपके आते हैं। फिर देखिए उसके बाद अगला आपका है विटामिन B1 है, तो विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो इसमें देखिए जैसे विटामिन B1 है तो इसका नाम होता है थियामिन, और इससे होने वाला डिजीज आपका होता है बेरी बेरी। और उसके बाद देखिए जो आपका विटामिन B2 है इसका होता है राइबोफ्लोबिन, और इससे जो आपका डिजीज होता है वो आपका होगा राइबोफ्लेविनेसिस। तो उसके बाद फिर देखिए विटामिन B3 है इसका नेम होता है केमिकल नेम नायासिन, और इससे होने वाला डिजीज आपका क्या होगा, पेलाग्रा होगा या 4D सिंड्रोम इसको बोलते हैं हम लोग। फिर उसके बाद विटामिन B5 है तो इससे आपका केमिकल नाम है पैंथोनोइक एसिड, और इससे जो डिजीज होती है वो है बर्निंग फिट सिंड्रोम है। फिर उसके बाद देखिए जो आपका विटामिन B6 है इसका केमिकल नेम होता है पायरोडॉक्सिन, ये याद रखिएगा केमिकल नेम आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपका विटामिन B7 है तो इसका नाम होता है बायोटिन, और जो आपका विटामिन B9 है इसका नाम है आपका फोलिक एसिड है, तो ये सारा पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और उसके बाद देखिए जो आपका विटामिन B12 है इसे एक आपका क्वेश्चन और भी पूछा जाता है इसमें कि इसका केमिकल नेम होता है सयानो कोबाइलो एमीन, जिसमें कि कोबाल्ट कंटेंट होते हैं, तो एक क्वेश्चन आता है कि किसमें कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाए जाते हैं, तो वो आपका क्या होगा, विटामिन B12 होगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और बाकी जो आपका विटामिन सी है इसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और इससे होने वाला जो डिजीज होती है वो आपका होगा स्कर्वी होगा। अब देखिए लेमन आपका पाया जाता है विटामिन सी में, और ऑरेंजेस भी है, तो ये भी एग्जाम्पल याद रखिएगा। फिर जो आपका विटामिन डी है इसका नाम क्या है, कैल्सिफ्यूरोल है केमिकल नेम, और इनसे होने वाला जो डिजीज है वो आपका क्या होगा, रिकेट्स होगा, और या फिर ऑस्टोमलेशिया होता है। तो देखिए रिकेट जनरली चिल्ड्रन में होता है, और एडल्ट में क्या होगा आपका, ऑस्टोमलेशिया होगा। और बाकी जो अगला विटामिन आपका है विटामिन ई है, इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं हम लोग या एंटी स्टर्लिन विटामिन भी बोलते हैं,
और इसका केमिकल नेम की बात करें तो इसका क्या होगा, टोकोफिरोल हो जाएगा। और इससे होने वाला डिजीज़ की बात करें तो वो रैंकल्स हो गया या स्कार्स हो गया, ये सारे डिजीज होते हैं। फिर उसके बाद जो आपका अगला विटामिन है, विटामिन के है, इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, फाइलाक्विनोन है। और इनसे जो मतलब कि जो डिजीज़ होती है वो आपका होता है कि जैसे ब्लड क्लोटिंग में डिले हो जाती है। तो ये सारा जितने भी विटामिन का लिस्ट दिया हुआ है ये आप लोग एक बार स्टडी कर लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन आप लोग इजीली कर लीजिएगा। क्वेश्चन यदि इनसे आता है तो वही इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा डिजीज जब विटामिन ए की डिफिशेंसी से होती है तो आपका क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। और बाकी जो बेरी बेरी है तो ये किससे होता है, विटामिन B1 से होती है कमी से। और बाकी जो आपका रिकेट्स है तो रिकेट्स किसके होता है आपका, तो विटामिन डी की कमी से होती है। तो ये सारा पॉइंट है आपके लिए। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि एयर इंटर्स द बॉडी ऑफ ए कॉकरोच थ्रू, यानी कि कॉकरोच के जो बॉडी होते हैं उसमें एयर कहाँ से इंटर होती है। तो देखिए इसका जो आंसर आपका होगा वो ऑप्शन 3 होगा, यानी कि स्पायरिकल्स हो जाएगा। तो कॉकरोच में देखिए जैसे कि हमारा शरीर में, जैसे कि हमारे बॉडी में विंड पाइप होते हैं जहाँ से एयर आपका इंटर होती है, लेकिन कॉकरोच के अंदर में कोई भी विंड पाइप नहीं होती है। तो इनका जो ब्रीथिंग होती है वो आपका स्पायरिकल से होती है। तो स्पायरिकल देखिए ये मतलब बॉडी के अलोंग ये बल्ब्स होते हैं, ये यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा, इसी के थ्रू एयर इंटर करती है यहाँ पे। और ये ओपनिंग मतलब कि जो ट्यूब रहती है इनका, जो एक ट्रेचिया जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वो स्किन में इनकी रहती है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरी द ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जैसे कि बॉडी से जितने भी ब्लड आपके होते हैं तो वो हार्ट में आते हैं आपके वहाँ पे, तो कौन कैरी करता है, यानी कि हार्ट में जो आपका ब्लड आता है तो वो बॉडी से मतलब बहुत से वेरियस बॉडी पार्ट से आपके आते हैं, तो वहाँ पे कैरी कौन करता है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरी समझना होगा कि जैसे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरीका से वर्क करता है और कहाँ से कौन से ब्लड आते हैं, तो ये आपको समझना होगा। तो यहाँ पे आपका ह्यूमन हार्ट का जैसे कि डायग्राम दिखाया गया है यहाँ पे, तो जैसे ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर होते हैं जिसमें कि आपके वेंट्रिकल्स और उसमें आपके एट्रियम्स होते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपका 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, तो इधर वाले को हम लोग राइट एट्रियम बोलते हैं। और उसके बाद जो आपका मतलब कि यहाँ पे जो आपका एट्रियम ऊपर रहता है आपका और वेंट्रिकल्स जो नीचे रहते हैं, तो ये इधर का पोर्शन को हम लोग राइट एट्रियम या राइट वेंट्रिकल्स बोलते हैं और इधर वाले को लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो ये आपका क्या है, 4 चैम्बर्स हैं इसके। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले जो आपका जितने भी डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होते हैं, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आपका रहेगा वो पूरे बॉडी से वो आएगा आपका हार्ट में एंटर करेगा, तो वो सबसे पहले आपका एंटर कहाँ पे करेगा, तो वो राइट एट्रियम में आएगा आपका, यानी कि राइट एट्रियम में सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे एंटर करेगा। अब यहाँ पे देखिए जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं तो उनको कैरी करने का काम कौन करता है आपका, तो वो वेंस करते हैं। तो वेंस जैसे कि आपके यहाँ पे जैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे एक आपका इन्फीरियर वीना कावा और सुपीरियर वीना कावा होते हैं, तो ये क्या है, एक लार्जेस्ट वेंस है बॉडी का, तो यही रिसीव करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि पूरे शरीर से। तो यही आपका वेंस आंसर हो जाएगा जिसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन हम लोग यहाँ पे और चीज़ समझ लेते हैं। अब देखिए क्या है कि जैसे आपका यहाँ पे जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में एंटर करे किया आपका, अब इसके बाद यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आपका रहेगा वो फिर कहाँ जाएगा, आपका राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा, यानी कि राइट वेंट्रिकल्स में आपका यहाँ पे एंटर करेगा। अब उसके बाद देखिए राइट वेंट्रिकल्स में जब ये आपका आ जाएगा यहाँ पे, तो अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड आपका है तो उसको कैरी करने का काम कौन करेगा, आपका पल्मोनरी आर्टरी करेगा। तो यहाँ पे देखिए आर्टरी भी बहुत सारे होते हैं, तो आर्टरी का मेन फंक्शन होता है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आपका होता है कि जैसे पल्मोनरी आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। अब यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका है जो पल्मोनरी आर्टरी कैरी कर रहा है, तो ये कहाँ पे पहुँचाएगा, लंग्स के पास पहुँचाएगा, जहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस मतलब जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, प्योरिफिकेशन होगा, प्योरिफिकेशन होगा ब्लड का। तो यहाँ पे प्योरिफिकेशन होके अब क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब जो कैरी आपका होगा वो सबसे पहले कहाँ पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा। तो लेफ्ट एट्रियम में एंटर करने के लिए यहाँ पे एक आपका जैसे कि पल्मोनरी वेंस आपका होता है वो कैरी करता है, ये क्या करेगा आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। तो देखिए जितने भी वेंस आपके होते हैं वो क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन आपका है कि जो पल्मोनरी वेंस है ये क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। और जब ये मतलब कि कैरी किया लेफ्ट एट्रियम में आपका यहाँ पे इंटर करेगा,
तो लेफ्ट, इसके बाद इंटर करने के बाद फिर ब्लड आपका कहाँ जाएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाने के बाद, इसके बाद यहाँ पे आपका जैसे कि ये ओरटा आपका होता है, ओरटा को हम लोग लार्जेस्ट आर्टरी बोलते हैं पूरे बॉडी का, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी को ये देता है। तो ये फिर बॉडी से फिर आपका क्या होगा, यानी कि जो ओरटा है, ओरटा फिर मतलब फर्दर छोटे छोटे वेंस में डिवाइड होते हैं, तो वो फिर पूरे बॉडी में चले जाते हैं। तो इसी तरीके से जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का आपका, वो होते रहता है। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन आपका इससे कुछ भी पूछा जा सकता है यहाँ पे, तो वो आप लोग अब कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो वही देखिए, क्वेश्चन आपका इसमें क्या पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी द ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट, यानी कि पूरे बॉडी से हार्ट में कौन कैरी करता है, तो वो क्या कौन करेंगे यहाँ पे, तो भिन्स करेंगे। तो इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, भिन्स हो जाएगा। अब यहीं पे मान लीजिए कि आर्टरी यदि रहता तो आर्टरी क्या करता है यहाँ पे, तो आर्टरी क्या करेगा, हार्ट से पूरे बॉडी में वो ब्लड को पहुँचाता है। तो ये पॉइंट आप लोग सारा कुछ याद रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो आपको यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, वो एग्जाम्पल आपका सारा दिया हुआ है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, पहला आपका अमीबा हो गया, दूसरा आपका हो गया बैक्टीरिया हो गया, यूग्लेना हो गया, फिर उसके बाद पैरामोसियम हो जाएगा, और पांचवा आपका है प्रोटोजोआ हो जाएगा। तो ये सारे क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो ये याद रखिएगा। अब उसके बाद ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, यूग्लेना है तो ये भी होगा, अमीबा है तो ये भी होगा, फिर पैरामोसियम है तो ये भी होगा। तो इसलिए क्या होगा आपका कि ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फोर हो जाएगा। तो ये लिस्ट आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट पूरा आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, आप लोग समझिएगा एक एक कॉन्सेप्ट को। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वहाँ पे कि कौन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, कौन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, या फिर सबसे लार्जेस्ट आर्टरी किसको बोलते हैं हम लोग। तो इन तरह से क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है एग्जाम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज जनरली कॉज्ड बाय वायरसेस, यानी कि वायरस से कौन से डिजीज कॉज होते हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो आंसर आप, जैसे कि ये डेंगू फीवर होगा, यानी कि डेंगू फीवर वायरस के चलते ही होती है, तो ये तो आप लोग आंसर जानते ही है। लेकिन यहाँ पे हम आपको एक लिस्ट दे रहे हैं, यहाँ पे वो सारे डिजीज का नेम है और वो किन से होते हैं, ये सारा कुछ लिस्ट दिया, आप लोग याद कर लीजिएगा कि जैसे आपका वायरस है, तो वायरस क्या होता है, ये असेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि इनमें कोई सेल नहीं होती है। तो इनसे होने वाला जो डिजीज़ आपका है, जैसे कि एड्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, डेंगू हो गया, इबोला हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, हाइड्रोफोबिया हो गया, मीजल्स हो गया, मॉम्स हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया, जर्मन फीवर है आपका, सॉरी, फिर उसके बाद जीका वायरस है, पोलियो है, हर्पस है, रुबेला है। तो ये सारे क्या है, वायरस होने वाले हैं, आप लोग देख लीजिएगा इसको। और वहीं हम प्रोटोजोआ से बात करें, तो प्रोटोजोआ से जो होने वाले डिजीज़ हैं, तो जैसे आपका एंथ्रैक्स हो गया, मलेरिया हो गया, काला आजार हो गया, स्लीपिंग सिकनेस हो गया, और पायरिया और लेसमेनिसिस है, ये सारे डिजीज़ होते हैं ये। और वही फंगस से हम बात करें, तो ये आपका होता है रिंग बॉर्म, स्केबीज और एथलेटिक्स हो गया। और बाकी जो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया से होने वाला जो डिजीज़ है, जैसे आपका टाइफाइड हो गया, टीबी हो गया, टेटनस हो गया, लेप्रसी हो गया, कोलरा हो गया, वूफिंग कफ हो गया, प्लेग हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया। तो ये सारा लिस्ट दिया हुआ है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यदि क्वेश्चन आए तो इन्हीं लिस्ट में से आपका आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। फिर वहीं देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज ए वाटर सोलेबल विटामिन। तो विटामिन ये हमने अभी देखा था, जितने भी टाइप्स के विटामिन आपके होते हैं, तो उसमें से कुछ वाटर सोलेबल भी होते हैं और कुछ आपके फैट सोलेबल भी होते हैं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें जैसे कि वाटर सोलेबल का, तो वो आपके विटामिन बी और सी, ये आपका क्या होता है, वाटर सोलेबल विटामिन होते हैं। और बाकी जो आपका फैट सोलेबल विटामिन है, वो आपका क्या होगा, एडेक हो जाएगा। आप लोग ऐसे याद कीजिएगा, ए डी ई के, यानी कि विटामिन ए डी ई और के, ये क्या होते हैं, फैट सोलबल विटामिन होते हैं, जिसमें से आपका जो विटामिन डी है और के है, ये बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो सकते हैं। बाकी जैसे आपका ए है और ई है, ये सिंथेसाइज नहीं होते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वाटर सोलबल का, तो वाटर सोलबल में कौन आपका होता है, तो विटामिन बी और सी। तो देखिए ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है, विटामिन सी सिर्फ दिया हुआ है, तो इसलिए आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन टू हो जाएगा। बाकी आपका ए डी और के, ये क्या है, ये फैट सोलबल विटामिन्स है। तो ये सारा क्वेश्चंस है आपका, तो देखिए ये हम दो पार्ट में आपका कवर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगा वीडियो का। तो वो बाकी का जो अगला पार्ट होगा, उसमें हम लोग जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है, तो वो उसमें वो लोग पूरा ख़त्म कर देंगे। अब इसके बाद देखिए, यदि आपका रिक्वेस्ट रहेगा, आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, तो बाकी और भी सब्जेक्ट का हम बना देंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो, तो आप लोग बताइएगा ज़रूर।